सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। काफ़ी सारे कमेंट आ रहा था कि भाई एक बैटरी ड्रेन टेस्ट वीडियो चाहिए मोटो एज 40 नियो के ऊपर। तो मैंने सोचा चलो यार कर ही डालते हैं। इसके अंदर फुल यार गेमिंग करेंगे, एक घंटे के लिए करेंगे, ज़्यादा नहीं। इसके अलावा इंस्टाग्राम फेसबुक यूज़ करेंगे, यूट्यूब वीडियो प्ले करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, कॉल करेंगे और भी छोटे मोटे गेम्स को यहाँ पे प्ले करके बेसिकली इसका जो बैटरी है 100% से 0% में डाउन करेंगे। एंड गाइस यहाँ पे देखते हैं कितना यहाँ पे बेसिकली स्क्रीन ऑन टाइम दे पाता है ये। आगे काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, लाइक कर एंड अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। और राइट, तो जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर अभी फिलहाल 100% बैटरी है, मैंने फुल चार्ज करके रखा है। एंड गाइस अगर कुछ स्पेक्स की बात करें तो 6.55 इंचेस का आपको एक यो एलईडी डिस्प्ले मिलता है, 144 हर्ट्ज का गाइस रिफ्रेश रेट ये बेसिकली सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन के अंदर देख सकते हो मैंने अभी फिलहाल 144 के अंदर इसको स्विच करके रखा है, IP68 रेटिंग के साथ आता है। एंड मैं आपको बता दूं गाइस इसके अंदर 5000 mAh का एक बड़ा बैटरी दिया गया है। सो लेट्स सी कितना टाइम ये सर्वाइव कर पाता है। सो अभी टाइम को स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि स्क्रीन अभी फिलहाल ऑन है गाइस, तो यहीं से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने 144 हर्ट्ज के अंदर इसको स्विच करके रखा है, यानी गाइस यहां पे हाई रिफ्रेश रेट है। एंड इसके अगर ब्राइटनेस की अगर बात करें तो लगभग यहां पे 50% के अंदर है। जैसे मैं यहां पे गेम वगैरह प्ले करूंगा तो गाइस थोड़ा सा इंक्रीज कर लूंगा, अदरवाइज यहां पे मैक्सिमम लोग तो यार 50% के अंदर ही अपने डिवाइस को यूज करते हैं। अगर आप लोग बीजीएम या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम प्ले करते हो तो गाइस एक सेटिंग आपको मिलता है यहां पे। ओके, जैसे आप लोग यहां पे चले जाते हो नीचे सेटिंग के अंदर, देन यहां से आप अपना जो रिफ्रेश रेट है इसको कंट्रोल कर सकते हो लाइक दिस। अभी फिलहाल मैंने 144 के अंदर इसको स्विच करके रखा है, चाहे तो आप लोग 120 में भी प्ले कर सकते हो। ओके, और गाइज यहाँ पे अगर ग्राफिक सेटिंग की बात करें तो स्मूथ एंड एक्सट्रीम में आप लोग प्ले कर सकते हो। इसके अलावा आपको HDR एंड अल्ट्रा का सपोर्ट दिया गया है, Ultra HD नहीं मिलता। और इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो मैंने स्मूथ एंड एक्सट्रीम सेटिंग के अंदर गेमिंग किया है एंड ट्रस्ट में गाइज काफ़ी अच्छा एक हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इस मोटो एज नियो 40 के अंदर। 60 FPS तक आपको मिल पाएगा मैक्सिमम। ओके, एंड कोई भी लेग नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर सोच रहा था कि जो 7030 Dimensity का प्रोसेसर दिया गया इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है, लेकिन जिसका जो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है स्क्रीन के अंदर, ये आपको काफी अच्छा हेल्प करेगा एक स्मूथ गेम के लिए। ओके, क्योंकि मैंने गाइस काफी देर तक इसके अंदर गेमिंग किया है, कोई भी यहां पे लेग वगैरह करता नहीं है ज्यादा। मैं भी आगे चल के कर सकता जब डिवाइस पुराना हो जाए, लेकिन दोस्तों अभी के लिए फिलहाल काफी अच्छा एक गेमिंग एक्सपीरियंस आपको मिलता है इस मोटो एज 40 नियो में। एनीवे गाइस, अभी क्या है कि हमारा मकसद है बेसिकली जो एक घंटा गेम कंप्लीट करना, इसको करते हैं। ओके, उसके बाद देखेंगे कितना पर्सन यहाँ पे बेसिकली बैटरी ड्रेन होता है। मेरे से ज्यादा हाथ में लेकर खेला नहीं गया, इसीलिए मैंने फोन को टेबल में रख दिया गेम ऑन करके। लेकिन यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि ये सब वीडियो बनाने के लिए काफी मेहनत लगता है। और राइट, फाइनली एक घंटा कंप्लीट हो चुका है गेमिंग करते हुए। चलिए गाइस एक बार चेक करते हैं कितना परसेंट फिलहाल इसके अंदर बैटरी है। तो आप देख सकते हो 85%, यानी कि 15% डाउन हुआ है एक घंटा गेमिंग के अंदर। ओके, सो गाइस अभी चलिए एक बार से टेम्परेचर को चेक कर लेते हैं। 37.4 डिग्री है डिवाइस का एंड मेरा रूम का है 31.6। तो यहाँ पे डिवाइस हीट होता है गेमिंग के टाइम में जो नॉर्मली सभी डिवाइस जितना होता है, ओवरहीटिंग का कोई भी इशू नहीं है। अभी क्या करते हैं गाइस, एक घंटे के लिए यार हम लोग फेसबुक यूज़ करेंगे। ओके, कुछ वीडियोज़ वगैरह वॉच करेंगे, फेसबुक वीडियो या फिर गाइस यहाँ पे कुछ पोस्ट वगैरह स्क्रॉल करते रहेंगे एक घंटे के लिए गाइस, ये भी काम करेंगे एंड देखते हैं कितना परसेंट बैटरी रहता है। ओके, सो फेसबुक चलाते हुए भी एक घंटा कंप्लीट हो चुका है। एक बार चेक करते हैं कितना परसेंट बैटरी इसके अंदर है। तो आप देख सकते हो 76%, यानी कि ओनली 9% बैटरी डाउन हुआ है एक घंटा फेसबुक यूज़ करते हुए। सो गाइज अभी क्या करते हैं कि एक घंटे के लिए हम लोग यार जो यूट्यूब है इसको यूज़ करेंगे, कुछ वीडियोज़ वगैरह प्ले करेंगे एंड साथ में यहाँ पे कुछ मूवीज़ भी देखेंगे एक घंटे के लिए। उसके बाद चेक करते हैं बैटरी परसेंटेज। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। सो हमने एक घंटे के लिए YouTube भी इसके अंदर प्ले कर लिया एंड आइए अभी चेक करते हैं कितना इसका बैटरी कंजम्पशन किया है। तो गाइज आप देख सकते हो 67% बैटरी है, यानी कि इसमें भी 9% ही बैटरी डाउन हुआ है एक घंटा YouTube यूज़ करते हुए। व्हाट ए कोइंसिडेंस, Facebook एंड YouTube दोनों ने बिल्कुल एक जैसे ही टाइम लिया है। और राइट, हमारा नेक्स्ट टास्क है Instagram, इसके अंदर भी कुछ रील्स वगैरह वॉच करेंगे फॉर 1 आवर। उसके बाद देखते हैं कितना यहाँ पे बैटरी कंजम्पशन करता है। वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिए।
सो गाइज टोटल 4 घंटा और 1 घंटा हो गया इंस्टा यूज़ करते हुए। एंड आइए देखते हैं कैसा है इसका बैटरी हेल्थ। तो आप देख सकते हो 55% यानी कि 12% डाउन हुआ है 1 घंटा इंस्टाग्राम यूज़ करते हुए। तो अगर आप लोग कंपेरिजन करोगे यूट्यूब एंड फेसबुक से तो गाइज यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही बैटरी कंजम्पशन किया है ये इंस्टा के अंदर। एंड अभी 1 घंटे के लिए करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग। तो इसके अंदर आपको 4K 30fps का ऑप्शन मिलता है। तो गाइज 4K 30fps में हम लोग चलिए करते हैं 1 घंटा वीडियो रिकॉर्डिंग, उसके बाद देखते हैं कितना डिवाइस हीट होता है या फिर यहाँ पे कैसा इसका रहता है बैटरी हेल्थ। सो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो इसमें 1 घंटा वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है अभी भी फिलहाल। ओके तो चलिए सिंपली इसको यार स्टॉप करते हैं, देखते हैं कितना इसका बैटरी हेल्थ है अभी फिलहाल 1 घंटा वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद। तो यार आप देख सकते हो 34% यानी कि 21% बैटरी डाउन हुआ है 1 घंटा वीडियो रिकॉर्डिंग में। एंड टेम्परेचर है 40.6 डिग्री एंड मेरा रूम का टेम्परेचर है 30 डिग्री। ओके सो गाइज अगर आप आउटडोर में करते हो रिकॉर्डिंग तो इससे भी ज़्यादा हीट हो सकता है। सो गाइज अभी हम लोग क्या करते हैं कि गाइज कॉल करेंगे 1 घंटे के लिए। ओके 1 घंटा कॉलिंग में देखते हैं कितना परसेंट यहाँ पे बैटरी ड्रेन होता है मोटो एज नियो 40 के अंदर। एंड गाइज अभी मैं इसका स्क्रीन को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि आई डोंट थिंक कोई कॉल करते हुए यहाँ पे स्क्रीन को ऑन रखता है, क्योंकि कान में लगाने से वैसे भी आप लोगों का स्क्रीन ऑफ हो ही जाता है। और राइट 1 आवर कंप्लीटेड फॉर कॉलिंग, जैसे कि आप देख सकते हो। चलिए कॉल को यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर देते हैं गाइस, बैटरी हेल्थ चेक करेंगे इसमें। तो चलिए स्क्रीन को अनलॉक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 29% है यानी कि गाइस 5% बैटरी डाउन हुआ है 1 घंटा कॉलिंग में मोटो एज नियो 40 के अंदर। एंड चलिए एक बार टेम्परेचर देखते हैं क्या हीटिंग वगैरह होता है कॉल करने से। तो आप देख सकते हो 33 डिग्री है डिवाइस का, मैंने रूम का टेम्परेचर है गाइस 31 डिग्री। सो यहाँ पे हीट नहीं होता है कॉलिंग के टाइम पे। एंड अभी क्या करते हैं गाइस, हम लोग कुछ छोटे मोटे यहाँ पे गेम को प्ले करेंगे लाइक यहाँ पे टेम्पल रन वगैरह। ओके इसके अलावा गाइस और भी कुछ गेम मैंने डाउनलोड करके रखा है, सबवे सर्फर या फिर यहाँ पे कैरम वगैरह प्ले करेंगे। आधे घंटे के लिए करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है लोग टाइम पास के लिए आधा 1 घंटा तो ये सब गेम भी प्ले कर ही लेते हैं जो लोग हैवी वेट गेम नहीं करते। सो गाइज टोटल 6.5 घंटा इसको यूज़ करने के बाद भी स्टिल आप देख सकते हो 25% इस डिवाइस के अंदर बैटरी है। ओके सो गाइज चलिए अभी फिलहाल 1 घंटे के लिए यार हम लोग जियो सिनेमा के अंदर एक मूवी प्ले करते हैं। वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिए गाइज, लाइक कर देना। 1 आवर मूवी वॉचिंग कम्प्लीटेड ऑन जियो सिनेमा। चलिए एक बार बैटरी परसेंटेज इसका चेक करते हैं क्या है इसका बैटरी अभी। तो आप देख सकते हो गाइस 13% अभी भी फिलहाल बैटरी है इसमें, यानी कि 12% डाउन हुआ है 1 घंटा मूवी वॉचिंग में जियो सिनेमा के अंदर। ओके सो गाइस अभी हम लोग यार कुछ बेसिकली वीडियो प्ले करते हैं यूट्यूब के अंदर, इसके अलावा गाइस यहाँ पे गेम भी प्ले कर लेते हैं क्योंकि अल्टीमेटली हमें बैटरी को डाउन करना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने आधे घंटे के लिए यूट्यूब को यूज़ किया एंड गाइस यहाँ पे आधे घंटे के लिए मैंने फिर से गेम को चालू कर दिया था। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 8 घंटा 20 मिनट बाद 2% बैटरी इसमें बचा है। सो ये सब टास्क करने के बाद भी गाइस 8.5 घंटे का बैटरी लाइफ देखने को मिलता है मोटोरोला एज 40 नियो के अंदर। आप लोग टोटल यहाँ पे 8.5 घंटा मानकर चल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर अभी फिलहाल 1% बैटरी बचा हुआ है। एंड गाइज अगर आप लोग यार यूज़ नहीं करते हो गेमिंग वगैरह, ओके तो मेरे हिसाब से 12-13 घंटे तक का आप लोगों को बैटरी लाइफ दे देगा ये मोटो एज 40 नियो। कैसा लगेगा गाइज आपको वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो ये भी डाल सकते हो, मैं आप लोगों को रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा। मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में, बाय।